चलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं नया स्टॉक आ गया एंड फाइनली हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं R1 के मिरर्स, जो कि R15 वर्जन 4 में। जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर्स हमने रिमूव कर चुके हैं एंड जैसे कि जो R1 के मिरर्स आते हैं उसमें जो होल्स होते हैं उसकी फिटिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा। बेसिकली जो होल्स हैं वो उसको आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, होल को, दोनों चारों को सॉरी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमने KTM इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए हैं, टैंक पैड इंस्टॉल किए, वाइजर भी इंस्टॉल होगा एंड विंगलेट अभी देखते हैं आगे जाके आपको सब दिखाएंगे। इंडिकेटर्स भी इंस्टॉल हुए हैं आगे जो बॉडी इंडिकेटर्स हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो जो आपको होल करने हैं इंडिकेटर्स जो हैं उसमें आपको ड्रिल का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो आपको नियर बाय कोई भी सर्विस स्टेशन है, किसी भी मैकेनिक के पास चले जाइए, आपको ड्रिल से जैसे ये होल देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि जो नट है अच्छे इजीली फिट हो सकें। जैसे कि हमने एक इंस्टॉल कर चुके हैं, दूसरा इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के बाद वायरिंग करेंगे, देन उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या रिस्पांस आता है, क्या इंडिकेटर का लाइट कितनी अच्छी रिस्पॉन्स करती है, देख सकते हैं जैसे कि आप। तो अभी हमने सारे इंडिकेटर्स ऑन कर दिए हैं, सॉरी सारे नहीं, दो ही इंडिकेटर्स ऑन है एंड आगे की जैसे आप देख सकते हैं। एंड आपको फिटिंग कैसे करनी है ये भी बता देते हैं। जैसे कि आपको जो शॉकर के अंदर का इनर कवर है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, एल्के नट है एंड इसमें प्लास्टिक के बटन्स हैं वो आपको रिमूव करने हैं एंड वैसे ही ये रिमूव हो जाएगा। एंड रिमूव करने के बाद सो जैसे कि आपने देखा कि हमने जैसे कि इनर कवर रिमूव किया है, वैसे ही आपको ऊपर से जो वाइज़र है वाइज़र के नीचे आपको वो भी रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप इजीली वायरिंग कर पाएंगे। एंड जैसा कि देख सकते हैं वाइजर हमने इंस्टॉल कर दिया, आप बताइए लुक कैसी आ रही है कैसे नहीं आ रही है। एंड इंडिकेटर्स देख सकते हैं, ये बॉडी इंडिकेटर्स हैं जो कि मेरी शॉप में अवेलेबल हैं, आपको चाहिए प्लीज़ विजिट कीजिएगा। सो ये फाइनल लुक है बाइक की, आप बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो भाई बाइक होगी रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हमारे ऑन है चारों के चारों, बट अब छह हो गए हैं चार की जगह। भाई बाइक की शक्ल सुंदर है, जैसे कि देख सकते हैं नीचे दो है। इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, दो ऊपर हैं एंड DRL चेक कीजिए। एंड जो उसके जो रेयर इंडिकेटर्स हैं वो KTM वाले इंस्टॉल किए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसमें फ्लैशर नहीं लगा, वायरिंग साथ कोई इशू नहीं हुआ, कोई पंगा नहीं किया। एंड जो ये साइड मिरर्स हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। बेसिकली इसको थोड़ा ड्रिल करके होल बड़ा किया ताकि अच्छे से फिट हो पाए एंड फाइनली लुक आप देख ही सकते हैं। दूर से देखो लुक, ये रात को सही लगेगी। तो भैया कैसा लग रहा है? नहीं, मॉडिफिकेशन अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है। और रेट्स? रेट्स बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब किया आपने? चलो ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस बनाते रहूँ बाइक्स के रिगार्डिंग या गाड़ी के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ बताइएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।